ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 2000 ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੈਰੀ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਮੌਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे पंजाबीज का वॉर्म वेलकम। येस, वी आर हेयर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू दी वन ऑफ द वेरी गॉर्जियस एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस ऑफ आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री, मिस जपजी खेरा जी। उन्होंने काफ़ी अच्छी सुपरहिट मूवीज़ दी हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को, और फिर से वो पंजाब की मिट्टी से जोड़कर एक और सुपर ब्लॉकबस्टर लेके आने वाले हैं 23 अगस्त को। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं उनसे। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैम बताइए, आपकी मूवी रिलीज होने जा रही है 23 अगस्त को, क्या कहना चाहेंगे? किस टाइप की मूवी है, क्या ये मैसेज लेके आने वाली है लोगों के लिए? फिल्म है, यूथ की स्टोरी है, एंड काफ़ी इश्यूज हैं इसमें जो हमने टच करने की कोशिश की है, जैसे कि किसान मूवमेंट, बबरों वाली मूवमेंट जो 1920s में चली थी, और उन बबरों ने गद्दारों का खात्मा करने के लिए जो स्टेप्स उठाए थे उनमें कितनी विल पावर थी, और कोई डर भी नहीं था कि हाँ हम मर जाएंगे, दिस एंड दैट, यू नो, एंड दे डिड अ लॉट फॉर आर पीपल, आर मिट्टी। तो इसके साथ साथ फिल्म ये दर्शाती है कि यूथ कहाँ जा रहा है, एंड हमें अपने पंजाब के लिए, अपनी मिट्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। सो इट्स लाइक इट वुड बी एन आई ओपनर कि वेयर डू वी स्टैंड इन कंपैरिजन टू जो वो बब्बर थे उस टाइम में, जिन्होंने हमारी मिट्टी के लिए इतना कुछ किया, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, और आर वी वेरी सेल्फिश जस्ट थिंकिंग अबाउट अस आवरसेल्व्स। आप कितना चेंज फील करते हैं कंपैरेटिवली, जो हमारा पहले पंजाब का कल्चर, जिसे हम सोने की चिड़िया भी कहते थे, बहुत अच्छा कल्चर होता था पंजाब का, कहीं ना कहीं अब वेस्टर्नाइज होता जा रहा है, तो आप पर्सनली इस चीज़ को फील करते हैं? जी, ऑफ कोर्स हुंदा जा रहा, बट दिलों मैं अपनी मिट्टी नाल जुड़ी हुई हाँ। मैनू सलवार सूट पाना ज़्यादा पसंद है, तुसी मेरी पोस्टा देखोगे ज़्यादातर वह, यू नो, सलवार सूट या इदां दे कपड़े होंगे ने जड़े, है ना, पहरावा जड़ा पंजाब दा, कोशिश तो यही होंगी है, बट यू नो कई बार थोनों अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली ढालना पैंता अपने आप में। जिदा फिल्म दे विच मेरा NRI कुड़ी का कैरेक्टर, उहदे लई मैं मिनी स्कर्ट्स पाई हाँ क्योंकि मैं इंग्लैंड तो आई हाँ, मैनू पंजाब बारे कुछ नहीं पता, उहदे च फिर उदा का पहरावा चाहिदा। फिल्म दे विच ही मैं एक होर किरदार प्ले कर रही हूँ, दूजा मोहन कौर का, जिहड़ी धन्ना सिंह जिहड़े बब्बर सीगे उहनां दी वाइफ का किरदार प्ले कर रही हाँ। तो उत्थे मैं पूरा सलवार कमीज़ पाया, सिर ते चुन्नी लई आ, चुल्हे ते रोटियां ला रही हाँ। तो इट रियली डिपेंड्स कि थोनू कितना प्यार अपनी मिट्टी दे नाल, एंड हाउ अटैच्ड यू आर एंड व्हाट आर यू डूइंग। जरूरी नहीं है थोनू दिखावा करन दी लोड़ है, या दूसरे बंदे नू ये पूछन दी लोड़ है कि तुसी की कर रहे हो, अपना फर्ज निभाओ, तुसी ये देखो अंदर छाती मार के कि तुसी की कर रहे हो फॉर द मिट्टी। मैं आस्ट्रेलिया छड़ के मैं इत्थे बैठी हुई हाँ, नॉट जस्ट फॉर फिल्म्स, फिल्मा मैं अगर चाहती तो बॉम्बे बैठ के भी कर सकती सी, यू नो, एंड बट आई चोज कि नहीं, पंजाब का एक स्वाद ही वखरा आ, यू नो। आपका बर्थ प्लेस होने के साथ साथ आप अभी चाहते हैं कि उसकी मिट्टी के साथ आपकी अटैचमेंट एक बनी रहे, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि दो मिट्टी वाली फिल्मा मेरी झोली पई हैं, इन्ना ज़्यादा मैंने प्यार है कि पता नहीं रब ने सुन, यस, मिट्टी वजह मार दी, एंड नाउ मिट्टी विरासत बबरां दी, एंड मैनू ये लग रहा कि बाबा जी इज गिविंग मी अ साइन कि यस यू आर अटैच्ड, सो इट फील्स ग्रेट। मैम, इस मूवी में एक अपीलिंग सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि हिस्टोरिक मूवी है, कॉमेडी मूवी, किस टाइप की मूवी है ये? हिस्टोरिक थोड़ा सा एस्पेक्ट है इसमें, बबरों वाली मूवमेंट हमने शेयर की है नॉलेज देने के लिए, जो हमें भी नहीं पता था, किताबों में भी नहीं है और बुक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है, मिटा दिया गया। तो वी वुड लाइक टू ब्रिंग दैट फॉरवर्ड कि हमारे लोगों तक ये बात पहुँचे कि बब्बर कौन सी जिन्हां ने अपने लिए लड़े आ, उन्हें गद्दारा नू ख़त्म करन ली, जेड़ा, यू नो, आई थिंक 250-250 बब्बर सीगा ते सामने गोरे सीगे 2-3 हज़ार, सो फिगर्स थोड़ी उपर नीचे हो सकती हैं, बट यू नो तुसी समझ सकते हो कि मैं की कहना चाह रही हूँ कि सामने इन्ने ज़्यादा थोड़े ते अटैक करन आ रहे और इधरों सिर्फ 250-300 बब्बर आ सिर्फ, एंड उस तो बाद 6 बब्बरां दी कहानी आ, उन्हां बब्बरां दी जिन्हां ने उन्हां दा खात्मा करन दी कोशिश की है। सो इट्स अ वेरी स्पैशल मैसेज, इहदे नाल नाल यू विल ऑलसो गैट एंटरटेनड क्योंकि इहदे विच मुंडियां दी कहानी, मंडीर दी कहानी भी हैगी आ, कॉमेडी भी हैगी आ, रोमांस भी हैगा आ, काफ़ी कुछ आ।
लास्ट में अपीलिंग मैसेज दे दीजिए कि इस मूवीज को लोग ज़रूर देखने जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है वो भी पंजाबी कल्चर से जुड़ के रहे, जो काफ़ी हद तक अब दूर होता जा रहा है। यूथ की फिल्म है ये, जैसे मैंने बोला, और यूथ को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक फिल्म के रूप में आप एंटरटेनमेंट आपको मिल रहा है, एट द सेम टाइम आपको जो नहीं बताया गया, जो पता नहीं किसने मिटा दिया, यू नो, वो बात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू एक्सेप्ट इट, ओपन योर माइंड, ओपन योर हार्ट, एंड टू बी एबल टू रिसीव दिस इंफॉर्मेशन कि हमारे जो पुराने बब्बर सी है उस टाइम दे, उन्होंने अपने लिए की किया, इन्नी तो अपनी बन दिया कि उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने जो सैक्रीफाइसेस सी उन्होंने एटलीस्ट आप कुछ कर नहीं सकते तो देख तो सकते हैं ना, यू नो व्हाट आई मीन, नॉलेज ले सकते हैं, सो वी कैन पास इट ऑन। बट दिस वॉज नैवर यू नो, आई डोंट थिंक ये कभी पॉसीबल होना सी जे हेमा मालिनी जी प्रोड्यूस ना करते फिल्म, क्योंकि कई बार पंजाब से होंगे कि नहीं ये फिल्म पता नहीं चलनी कि नहीं चलनी, बट उन्होंने आउटसाइडर होकर यू नो पंजाब की मिट्टी नालों इन्ने जुड़े इस सब्जैक्ट नालों, उन्होंने जो सुनिया कि वाह शी वॉज जस्ट ब्लोन अवे कि बंदे सच्ची सी या फिर एक कहानियाँ, एंड उन्होंने कहा कि यस मैं पैसा लगाऊंगी इस फिल्म से। हेमा मालिनी जी के असं बहुत बहुत धनवादी हाँ जिन्होंने इन्ने वधिया सब्जैक्ट से ट्रू इवेंट से भी बेस्ड हैगा, और जिदा मैं क्या मसाला भी है इन्ना इस सारे पैकेज से उन्होंने पैसा लगाया, सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आप TRP आए लुधियाना में, कैसा लग रहा है आपको एटमोसफियर यहाँ का, कैसे फील कर रहे हैं आप? एज आई सैड इट्स वंडरफुल टू बी हीयर, लुधियाना शहर मेरा फेवरेट शहर कह सकते हैं, क्योंकि मैं इतों ही मिस वर्ल्ड पंजाबन बनी सी और इतों के शहर वाले ने बहुत सपोर्ट की है मेरी, हमेशा ही करते रहे, एंड मैं लगता मेरी फैन फॉलोइंग ही ज़्यादा इस शहर तो हैगी, और इतने आके मैं बहुत स्पैशल फील हों, यादा जुड़िया ने इस शहर नाल, इतों के लोगों के नाल, तो ये उम्मीद भी मैं लेके आई हाँ कि तुम सारे इस फिल्म में भी उन्ना ही प्यार दोगे जिन्हिया मेरिया पहलिया फिल्मों दिता, जिदा कि हम पिछे जी अरदास करा आई सी, सो उदा दी हट के एक फिल्म हैगी, यू विल बी एंटरटेनड। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ जपजी खेरा जी, जिन्होंने बहुत ही स्वीट से अपीलिंग मैसेज दिया, जो उनकी मूवी रिलीज़ होने वाली है 23 अगस्त को, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी, बिकॉज ये मूवी बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आ रही है, एक ऐसा कंसेप्ट जिसके बारे में शायद अभी पंजाबीज को नहीं पता था, उनको नॉलेज नहीं थी, तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके, और हमने भी शेयर किए उनसे कुछ बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।